नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप दूसरे रंग का ऊन अटैच कर लें और एक फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनें। फिर पाँच फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, एक दो, और बीच में हम ऐसे लपेटते जाएंगे, तीन चार पाँच। फिर छठा फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, फिर पाँच फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फिर छठा फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा। इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा और पांच फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। दो फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे, फिर ये दूसरे रंग के ऊन से जो एक फंदा बुना गया है उसके दोनों साइड वाले एक एक फंदे ले लिए जाएंगे और तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा उल्टा बुन लिया जाएगा। इस तरह तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा और तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जो एक फंदा दूसरे रंग के ऊन से बुना गया है उसके दोनों साइज वाले एक एक फंदे लेंगे और तीन फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुन लिया जाएगा। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और फ्रंट साइड। अब दूसरे रंग के ऊन से तीन फंदा सीधा बुना जाएगा, दो तीन, और एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा। अब यहाँ पे तीन फंदा है तो दोनों ओर से एक एक फंदा ले लिया जाएगा और यहाँ पे पांच फंदा सीधा हो जाएगा। तो दूसरे रंग के ऊन से पांच फंदा सीधा, एक दो, तीन, और बीच में ऐसे लपेटते जाएंगे, चार पांच, और एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर पांच फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन का चौथा लाइन और रॉन्ग साइड। दो फंदा हरा और फिर तीन फंदा पीला, एक दो तीन, फिर तीन फंदा हरा, एक दो तीन, फिर तीन फंदा पीला। एक फंदा जहाँ हरा है इसके दोनों साइड वाले एक एक फंदे ले लिए जाएंगे और ये तीन फंदा हो जाएगा। तो तीन फंदा हरा और तीन फंदा पीला, इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और फ्रंट साइड। एक फंदा पीला, पांच फंदा हरा, दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा पीला यानी कि पहला लाइन, फिर पांच फंदा हरा, एक दो तीन चार और पांच। और देखिए पहले लाइन में हमने ये फंदा पीला बुना था तो इस लाइन में भी यही फंदा पीला बुनेंगे। एक फंदा पीला और पांच फंदा हरा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। छठा
छठवां लाइन दूसरे लाइन की तरह हो जाएगा, यानी पीले फंदे के दोनों साइड वाले एक एक फंदे ले लेंगे और तीन फंदा पीला बुनेंगे। तो दो फंदा हरा, तीन फंदा पीला, फिर तीन फंदा हरा और तीन फंदा पीला। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन का सातवां लाइन और सामने से तीन फंदा पीला, एक फंदा हरा, फिर पांच फंदा पीला, एक फंदा हरा, यानी अब पीला फंदा पांच हो जाएगा और हरा फंदा एक। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर आठवां लाइन चौथे लाइन की तरह हो जाएगा, यानी दो फंदा हरा और तीन फंदा पीला, फिर तीन फंदा हरा और तीन फंदा पीला। देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। थोड़ी थोड़ी दूर पर लपेटने से ये उंगली में फंसता नहीं है और सिकुड़न भी नहीं आती है। तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।